चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला का बयान सामने आया है, बलराज कुंडू को लेकर सरकार नहीं बना रही कोई दबाव, ये साफ किया गया है सुभाष बराला की तरफ से। और साथ ही ये भी कहा कि उनके निजी मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। उम्मीद है दिल्ली चुनाव में जेजेपी करेगी बीजेपी का समर्थन। तो ये बात स्पष्ट भी हो चुकी है कि जेजेपी की तरफ से समर्थन किया जाएगा। और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है, कह सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव के दौरान भले ही जेजेपी चुनावी ताल ना ठोक रही हो, लेकिन गठबंधन के तहत जेजेपी की तरफ से बीजेपी का समर्थन किया जाएगा। वहीं बलराज कुंडू मामले में भी उन्होंने अपना बयान दिया है। एफआईआर जो दर्ज हुई है, जहां तक मेरी जानकारी है, कोई पुराना इस प्रकार का मामला है उसमें हुई है। इसमें मनीष ग्रोवर हमारे पूर्व मंत्री, उनका कोई इसमें लेना देना नहीं है। और जहां तक मनीष ग्रोवर के ऊपर आरोप लगाने की बात है, तो मनीष ग्रोवर पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। सालों साल से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के आधार पर काम किया है। तो मैं नहीं समझता कहीं कोई इस प्रकार के जो आरोप लगे हैं उनके अंदर कहीं कोई सच्चाई होगी। देखिए, ये प्रदेश से प्रदेश जब डिफर करता है, यानी कि दूसरे प्रदेश की जब बात आती है, तो वहाँ पर अलग स्थितियाँ होती हैं। और ये दिल्ली की जो हमारी पार्टी की इकाई है और केंद्रीय नेतृत्व और जजपा के बीच का मामला था कि कैसे वहाँ पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन मैं समझता हूँ, बेशक जजपा वहाँ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रही, तो भी वहाँ इनका जो भी समर्थक वोटर होगा, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर मदद करेगा। मैं समझता हूँ कि वह जजपा का कार्यकर्ता और दुष्यंत जी भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे।